हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे यहाँ पे रिवीजन, जीएसटी का क्विक रिवीजन कर रहे थे विद द समरी बुक। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो मेरी वेबसाइट www.icreek.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये रिवीजन सीरीज है, प्लेलिस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैंने सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, जिसका नेक्स्ट अटेम्प्ट बेटा आपको फुल कोर्स पे जाना है, वो फुल कोर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, icreek.com से आप ले सकते हैं। ये यहाँ पे रिवीजन सीरीज है जिसने एक बार पढ़ लिया है। रिटर्न्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी आर वन क्या है, बहुत इजी है, याद है मैम ये सब कुछ। मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट है किसका, आउटवर्ड सप्लाई का, मेरे आउटवर्ड सप्लाई का। किसको फाइल करना है भाई, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करेगा, कब करेगा, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मंथली फाइलिंग है फॉर एग्जाम्पल जीएसटी आर वन की। अप्रैल का कब तक करना है उसने, 11th मई तक के करना है। बट यहाँ पे लोग हो सकते हैं जो अब जीएसटी आर वन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, क्यूआरएमपी स्कीम आई है, क्या है वो, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। उस केस में ठीक है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका टैक्स पीरियड आता है, यहाँ क्वार्टर का टैक्स पीरियड आता है, तो उसके आप क्या कर सकते हो, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मई जून का आपका क्वार्टर है, तो आपने 13 जुलाई तक के क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी आर वन फाइल करना है, ठीक है। जीएसटी आर टू क्या है, इनवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है। जीएसटी आर थ्री क्या है, मंथली रिटर्न फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। अभी आपको पता है कि भाई यहाँ पे जैसे जीएसटी आया था, बहुत दिक्कतें आ रही थी 2-3 के इम्प्लीमेंटेशन में, एक रिटर्न आया, क्या नाम है, जीएसटी आर थ्री भी समरी रिटर्न है भाई, वो जीएसटी आर 1, 2, 3 यहाँ पे इन सबको मिला करके आप समझ लो एक समराइज फॉर्म में रिटर्न बना है, एक समरी रिटर्न है वो, जिसमें डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई की जाती है, ITC आता है, पेमेंट का डिटेल्स आता है, उसको पेमेंट करके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, समरी रिटर्न वो क्या है, जीएसटी आर थ्री भी है, जो कि अभी करेंटली ऑपरेशनल है। जीएसटी आर फोर किसके लिए भाई, कंपोजिशन वालों के लिए मैम, कंपोजिशन वालों के लिए, कंपोजिशन वालों को मैम एक तो क्वार्टरली, एवरी क्वार्टर के एंड में क्या स्टेटमेंट एक देना होता है, कब, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, मतलब कि अप्रैल मई जून क्वार्टर है मैम, तो 18th ऑफ जुलाई तक के उन्हें क्वार्टरली स्टेटमेंट देना होता है। रिटर्न जो है पूरे साल का उनको फाइल करना होता है 30th डे ऑफ द अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल 2021 है, इसका जीएसटी आर फोर कंपोजिशन लेवी में जो भी पर्सन यहाँ टैक्स पे कर रहा है, उसने उसका रिटर्न कब तक के फाइल करना है, 30th अप्रैल 2021 तक, 30th अप्रैल 2021 तक के का टाइम दिया गया है उसे। जीएसटी आर फाइव इट इज अ मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए है, 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर है उसके लिए स्पेशल रिटर्न है, क्या नाम है, जीएसटी आर फाइव रिटर्न है उनका, उनको कब तक फाइल करना है, 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, जो भी उनका टैक्स पीरियड है उसके बाद में 20 तारीख को, या 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। आपको पता है ये लोग टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 90 days का इन लोग लेते हैं, फर्दर एक्सटेंशन 90 days के लिए और अलाउड है, तो जब भी एक्सपायर हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर या 20 तारीख अगले महीने की, विच एवर इज अर्लियर। जीएसटी आर 6 जो है ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रिटर्न है, 13 तारीख तक के फाइल करना है। जीएसटी आर 7 TDS डिडक्टर्स के लिए 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक के फाइल करना है। जीएसटी आर 8 TCS कलेक्टर्स, यहाँ ई कॉम ऑपरेटर्स के लिए मंथली स्टेटमेंट फॉर ई कॉम ऑपरेटर डिपेक्टिंग सप्लाई थ्रू इट, उनको 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को फाइल करना है। एनुअल रिटर्न जीएसटी आर 9 इज एनुअल रिटर्न, कब तक के किसको फाइल करना है भाई, यहाँ पे ये रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को करना है, अदर देन ISD TDS TCS टैक्स पेयर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन NRTP, इन लोगों के लिए स्पेशल रिटर्न है, इन्हें नहीं फाइल करना है ये। उसके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करना है, कब तक, 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो 2021 का कब तक फाइल कर सकते हैं, 31st दिसंबर 2021 तक है, ठीक है। ये सब एक्ट की डेट्स है बेटा, एक्चुअल में डेट्स वगैरह क्या हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि पोस्टपोन होती रहती है यहाँ पे, बट ये जो है आपको यही डेट्स याद रखनी है जो एक्ट की है। जीएसटी आर 10 फाइनल रिटर्न, टैक्सेबल पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है या जिसने सरेंडर किया है उसने जीएसटी आर 10 विच इज कॉल्ड एज फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है, कितने दिन के अंदर, 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन, जब भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर, और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, ठीक है। ये सिंपल थी, ड्यू डेट्स थी, आप एक बार बस इसे हल्का सा यहाँ पे याद रख सकते हो, इसको ऐसा आपको एक बार याद रख लेना है, रीड करोगे वैसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज QRMP स्कीम, ये क्या है, जैसे कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मैंने आपको बताया क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम,
पहले बहुत ज्यादा कंप्लायंस हो रहा था भाई यहाँ पे छोटे छोटे टैक्स पेयर्स के लिए कि भाई जीएसटी आर वन भी मंथली फाइल करो, जीएसटी आर थ्री भी मंथली फाइल करो, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मंथली पेमेंट कर लो, जीएसटी आर वन थ्री भी क्या कर सकते हो, क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, बढ़िया हो गया। पहले बारह बारह रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, पहले बारह बारह रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, अभी देखो कंप्लायंसेस कितना रिड्यूस हो गया, यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन इतना कम हो गया, अब तो खाली सिर्फ चार जीएसटी आर वन और जीएसटी आर थ्री भी फाइल करना है। ठीक है, किसके लिए देखते हैं, इट इज एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, मंथली फाइल करो। इंट्रोड्यूस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द करेंट एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो भाई पिछले साल में फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अप टू 5 करोड़ से, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्यू आर एम पी स्कीम में जा सकते हो। ठीक है, और उन्हें क्या ऑप्शन दिया है, टू फर्निश देयर जीएसटी आर वन एंड थ्री बी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस वाइल पेइंग देयर टैक्स ऑन मंथली बेसिस थ्रू अ सिंपल चालान। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे और टैक्स पे कर सकते हैं, कैसे, मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है वो एलिजिबल रहेंगे। कौन एलिजिबल रहेंगे, टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है अप टू 5 करोड़ से पिछले साल में, वो एलिजिबल रह सकते हैं इसके लिए। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जुलाई टू सेप्टेंबर क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, अब आप क्या करना चाहते हो, जुलाई टू सेप्टेंबर क्वार्टर में जाना चाहते हो क्यू आर एम पी स्कीम में, तो आपको कब बताना पड़ेगा, यू कैन ऑप्ट फॉर इन एनी क्वार्टर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। आपका पिछला क्वार्टर कौन सा था, अप्रैल टू जून। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या हुआ आपका, फर्स्ट मई से लेके टू द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर टू 31 जुलाई, फर्स्ट मई टू 31 जुलाई आपको विंडो दी गई है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो क्यू आर एम पी स्कीम के लिए। जुलाई टू सेप्टेंबर क्वार्टर के लिए आपके लिए क्या विंडो है, फर्स्ट मई टू 31 जुलाई की। पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के पहले दिन से लेके इस क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी दिन तक के का विंडो दिया गया है जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो क्यू आर एम पी स्कीम के लिए। क्राइटेरिया, टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश्ड द लास्ट रिटर्न एज ऑन ड्यू डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। उसने क्या कर देना चाहिए, फर्निश कर देना चाहिए लास्ट रिटर्न उसका जो भी यहां पर ड्यू था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 27 जुलाई को ऑप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके पहले जून तक के का रिटर्न उसका ड्यू हो गया था, उसने वो रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, वही क्राइटेरिया दिया हुआ है। टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में नहीं बताना है उसको कि भाई मैं क्यू आर एम पी स्कीम में जा रहा हूँ, अंटिल एंड अनलेस वो यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है तो बात अलग है, रिवाइज कर रहा है ऑप्शन तो बात अलग है, अदरवाइज उसको बताने की कोई जरूरत नहीं। सो टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर शेल फर्निश रिटर्न अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैसिलिटी और साथ में दी गवर्नमेंट ने, आईएफएफ। ठीक है, तो जीएसटी आर वन फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, क्यू आर एम पी स्कीम में जा रहे हो, क्वार्टरली फाइल करना है आपको, क्वार्टरली फाइल करना है तो अब टैक्स पेयर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है भाई अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए या अपना समझ लो जुलाई अगस्त सेप्टेंबर क्वार्टर के लिए आप क्यू आर एम पी स्कीम में गए, तो जुलाई के लिए अगस्त के लिए आप क्या कर सकते हो, जो इनवॉइसेज है उनके लिए फैसिलिटी दी है आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी है, आप चाहो थोड़ी इनवॉइसेज क्या कर सकते हो आईएफएफ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ताकि जिसने आपसे परचेज किया उसके लिए भी आसानी हो जाए, वो क्रेडिट ले सकता है, उसके 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको इनवॉइसेस लग रही है आप उतनी क्या कर सकते हो यहाँ पे फर्निश कर सकते हो थ्रू अ फैसिलिटी कॉल्ड एज आईएफएफ। इनवॉइस डिटेल्स कैन बी फाइल्ड इन जीएसटी आर1 बाय यूजिंग आईएफएफ फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर में तो आप जीएसटी आर1 फाइल कर ही दोगे। ठीक है, तो ये जो स्कीम आई है इससे बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा आपका कंप्लायंस बर्डन ऑन सच टैक्स पेयर, एज नाउ द टैक्स पेयर नीड टू फाइल ओनली 4 जीएसटी आर 3 बी रिटर्न्स इंस्टेड ऑफ 12 3 बी रिटर्न्स इन अ ईयर। बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 4 3 बी फाइल करना है या 4 जीएसटी आर 1 फाइल करना है यहाँ पे आपको, इंस्टेड ऑफ 12 जो पहले करते थे। सिमिलरली दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल ओनली 4 जीएसटी आर 1 रिटर्न्स सिंस आईएफएफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है, क्यू आर एम पी स्कीम सबके लिए नहीं आई है, किसके लिए आई है, जिनके भाई छोटे टैक्स पेयर है, जिनका पिछले साल में जो है यहाँ पे क्या एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 5 करोड़ तक के ही है, तो वो इस फैसिलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कब तक करेंगे, इस साल में 5 करोड़ तक के एग्रीगेट टर्नओवर है तब तक, उसके बाद विड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है। और विंडो दी हुई है आपको यहाँ पे, जिस पीरियड में आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो स्कीम से। कंप्लायंस बर्डन बहुत ही बढ़िया रिड्यूस होने वाला है आपका। एनुअल रिटर्न, दिस रिटर्न नीड्स टू बी फाइल बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। इन दिस रिटर्न टैक्स पेयर नीड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। रिविजन ऑफ रिटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा जीएसटी में, आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न और फॉर एनी करेक्शन और एरर और ओमिशन। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इज अलाउड इन सब्सिक्वेंट रिटर्न। बट आप रेक्टिफिकेशन कितनी भी बार, यहाँ पे देखो जैसे आपसे जनवरी में गलती हुई, आपको फेब में याद आया आप फेब में ठीक कर लो, आपको मार्च में याद आया आप मार्च में ठीक कर लो। नेक्स्ट रिटर्न में आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन जरूर कर सकते हो। फेब का रिटर्न भरते टाइम वहां पे जनवरी की जो भी मिस्टेक है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। वो जनवरी का रिटर्न वापस रिवाइज नहीं हो सकता, बट आगे के रिटर्न में आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। नो रेक्टिफिकेशन is allowed after what beta, due date of furnishing of return for the month of September following the end of financial year, that is 20th October, or furnishing of annual return whichever is earlier, या annual return आप जब भी furnish कर सकते। मैक्सिमम टाइम आप कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हो बेटा, जैसे कि 18-19 में मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 18-19 के मेरी जनवरी 19 में कोई मिस्टेक हुई थी, तो मैं ये कब तक सुधार सकती हूँ, मैं यहाँ पे अक्टूबर 20th October 2019 और एनुअल रिटर्न मेरे को जब भी फर्निश करना है, फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर ही है समझ लो, 20th October 2019 में था, क्योंकि यहाँ सेप्टेंबर की जो ड्यू डेट होती है, सेप्टेंबर की ड्यू डेट क्या होती है, 20th October होती। तो मैक्सिमम आपको कोई भी गलती आप कब तक के सॉल्व कर सकते हो, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, ड्यू डेट ऑफ सेप्टेंबर रिटर्न इज वॉट, 20th October और of the following year end of the financial year। तो 18-19 के बाद जो आएगा अक्टूबर उसकी बात हो रही है, 18-19 के बाद वाला जो सेप्टेंबर है उसके ड्यू डेट की बात हो रही है। और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न आप जब भी फर्निश करते हो, आप 31 दिसंबर को भी फर्निश कर सकते हो, यहाँ पे जो ड्यू डेट दी हुई है या एक्सटेंडेड भी हो सकती है, या आपका बड़ा मन किया और आपने यहाँ पे जल्दी कर दिया 30th April को ही आपकी इच्छा हुई मैं एनुअल रिटर्न फाइल कर देती हूँ, तो फिर विच एवर इज अर्लियर आप तब तक ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको, रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हो, इसी टाइम लिमिट तक कर सकते हो। लेट फी क्या है भाई, रिटर्न आपने लेट फाइल किया तो उस केस में लेट फी क्या रहेगी बेटा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हू फेल्स टू फर्निश स्टेटमेंट रिटर्न अंडर सेक्शन 39 एंड फाइनल रिटर्न बाय द ड्यू डेट्स इज लायबल टू पे लेट फी एट द रेट ऑफ 100 rupees पर डे, 100 rupees पर डे की पेनल्टी उसको लगेगी बेटा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम क्या रहेगी, 5000 under the CGST Act। 100 rupees पर डे क्या है बेटा, यहाँ पे सीजीएसटी की पेनल्टी 5000, सीजीएसटी की पेनल्टी सिमिलरली एसजीएसटी की पेनल्टी रहेगी, टोटल पेनल्टी 10,000 तक के मैक्सिमम हो सकती है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हू फेल्स टू फर्निश एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट शैल बी लाइबल, ये तो कौन से नॉर्मल रिटर्न की बात हो रही है भाई, 3B वगैरह की या फाइनल रिटर्न की बात हो रही है। और अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट फर्निश किया तो 100 rupees पर डे, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, 0.25% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होगा और उसका 0.25 तक के मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। तो बेटा ये तो रिटर्न का पार्ट हुआ, सेकेंड एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का कंसेप्ट है वो समझेंगे क्या है। सेक्शन 48 में दिया हुआ है बेटा, ऑथोराइजेशन फॉर एन एलिजिबल पर्सन टू बी एक्ट एज एन अप्रूव जीएसटीपी, जीएसटीपी प्रैक्टिशनर के जैसे कौन यहाँ पे रह सकता है। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है भाई जीएसटीपी को कि भाई तू ये काम कर, मेरे बिहाफ में रिटर्न वगैरह भर दे। क्या क्या कर सकता है जीएसटीपी, फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। GSTN provides separate user ID and password to GSTP to enable him to work on behalf of clients without asking for their user ID and password। तो यहाँ पे GSTN क्या करेगा, सेपरेट यूजर आई डी और पासवर्ड देगा इन लोगों को, सेपरेट यूजर आई डी और पासवर्ड देगा जीएसटीपी को, जस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर को। कौन होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, Not been convicted by a competent court होना चाहिए, और जिन्हें insolvent भी नहीं करार किया गया। चार चीजें important है, Indian citizen होना चाहिए बेटा, person of sound mind होना चाहिए, court का कोई conviction नहीं है और इसे insolvent नहीं बोला गया है, और वो satisfy करता है any of the following condition, any of the conditions क्या, या तो वो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सीबीएसई है, ड्यूरिंग द सर्विस अंडर गवर्नमेंट एंड वर्क इन अ पोस्ट नॉट लोअर देन अ ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years, या
उसे एनरोल किया गया एज अ व्हाट, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर था, या वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5 years, या उसके प्रिस्क्राइब्ड कोई क्वालिफिकेशन है, इन तीनों में से कोई चीज होना चाहिए, तभी वो जीएसटी के हिसाब से यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, एलिजिबल रहेगा. क्या रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सीबीसी, एटलीस्ट 2 साल के लिए ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, या पुराने जो लॉ थे उसमें सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल के लिए, या कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होना चाहिए. क्या प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है मैम बेटा, ये पांचों में से कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, क्या वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, जस्ट एक बार रीड कर लेना. डिग्री इन कॉमर्स वगैरह हो ये उसके पास हो, या उसने डिग्री एग्जामिनेशन कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का दिया जिसका रिकॉग्नाइज बाय एनी इंडियन यूनिवर्सिटी एज इक्वल टू डिग्री एग्जाम जो कि मेंशन अंडर 1 point है, या एनी अदर एग्जाम नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, या एनी डिग्री ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी, या तो भाई जो आप होने वाले हो सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए बेटा सीएमए होना चाहिए, तो इसमें से कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है तो वो जीएसटीपी के लिए यहाँ पे क्या है बेटा, एलिजिबल रहेगा. अब व्हाट आर द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय जीएसटीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई क्या क्या वो काम कर सकता है जीएसटीपी. भाई मैं यहाँ पे, मेरे को नहीं आता, मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करूं ये सब काम करूं, तो मैंने जीएसटीपी अपॉइंट कर दिया है, तो वो क्या कर रहा है मेरे बिहाफ में फर्निश कर सकता है मेरा रिटर्न, मैं बिजनेसमैन हूं, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई वो मेरा फर्निश कर सकता है, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल फाइनल रिटर्न, सारे रिटर्न को वो कर सकता है मेरे बिहाफ में, डिपॉजिट कर सकता है वो कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, मेरे बिहाफ में रिफंड क्लेम कर सकता है, मेरे बिहाफ में एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फर्निश कर सकता है ई वे बिल यहाँ जनरेशन कर सकता है, फर्निश कर सकता है डिटेल्स ऑफ चालान इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, सारे काम कर सकता है बेटा, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ एनरोलमेंट अंडर रूल 58, इंटीमेशन फाइल कर सकता है टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, या विड्रॉ कर सकता है स्कीम से, सारे काम कर सकता है, अलाउ वो अपियर कर सकता है एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव टू एनी ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट एपिलेट अथॉरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल और बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज प्रोवाइडेड. सो वो सारे काम कर सकता है बेटा मेरे बिहाफ में, सारे काम कर सकता है, रिटर्न फर्निश कर सकता है, यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है, चालान बना सकता है, ई वे बिल बना सकता है बेटा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, यहाँ पे सारे काम जीएसटीपी कर सकता है मेरे बिहाफ में जो सारे दिए हुए हैं. तो इस पे कभी कभार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है. तो बेटा इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिटर्न्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझे हमने, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिटर्न्स आपके इसमें एग्जाम में एप्लीकेबल है वो सारे डिस्कस किए, प्लस हमने जीएसटीपी का कंसेप्ट समझा. ठीक है बेटा, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.